क्या फ्री फायर गेम के अंदर भूत रहते हैं? क्या आप लोगों का भी यही मानना है? मेरा ये मानना नहीं था, मैं बिल्कुल भी भूतों पर भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने इन UID को सर्च किया तो रिजल्ट चौंका देने वाले थे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब मैंने इन UID को सर्च किया। आज की सबसे पहली भूतिया UID आपकी स्क्रीन पर ए रही, जो कि बहुत डरावनी थी। जब मैंने इस UID को सर्च किया, UID 8923946 5, मैंने इस UID को सर्च बॉक्स में जाकर के पेस्ट किया और वहां पर जब मैंने सर्च किया तो इस UID का नाम नॉर्मल था, जैसे कि हमारी UID का होता है। इस UID का नाम मोहा था। लेकिन जब मैंने इस UID को इंस्पेक्ट करके देखा तो रिजल्ट चौंका देने वाले थे। UID ओपन ही नहीं हो रही थी, मतलब ओपन तो हो रही है, आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का कुछ मटेरियल, कुछ अंदर का कुछ आ ही नहीं रहा है। जब आप नॉर्मल किसी भी UID को सर्च करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आता है, जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड की UID को सर्च कर रहा हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कैरेक्टर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसकी रैंक वगैरह आ रही है, सब कुछ। लेकिन जब मैंने इस UID को सर्च किया अब तो फिर यहां पर कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है, स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लैंक स्क्रीन। ऐसा कभी नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता ये घोस्ट ID है या भूतिया ID है। अगर ये कोई फ्री फायर का ग्लिच होता तो आप लोग खुद ही सोचिए, फ्री फायर वाले अभी तक तो ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते, क्योंकि फ्री फायर गेम के इतने सारे अपडेट आ चुके हैं। हर 2 महीने में फ्री फायर का अपडेट आता है। फ्री फायर अपने गेम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। शायद फ्री फायर वालों जो गरेना वाले हैं वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, जो कि भूतिया ID है, मुझे ऐसा लगता है। मैं भरोसा नहीं करता था UID पर। आप भी UID को चेक कर सकते हैं, मैं सभी UID को आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा। अब चलते हैं हम दूसरी UID की ओर, जो कि इससे भी ज्यादा भूतिया UID थी, इससे भी ज्यादा। देखिए आपकी स्क्रीन पर दूसरी UID रही, तो जो दूसरी UID है वो है 11146436 50। ये वाली UID आप लोगों को कॉपी करना है और अपने गेम में जाकर के सर्च करना है। मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसको एडिट किया है वीडियो को, तो मैंने एडिट नहीं किया है। जब मैंने इस UID को सर्च किया तो इस UID के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी जो कि पहली UID के साथ थी। मतलब UID जैसे ही मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुरंत ही UID पूरी की पूरी ब्लैंक हो रही है, पूरी की पूरी UID ब्लैंक हो रही है। जब मैंने इस UID को सर्च किया था रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो उस समय पर एक बार मेरा फोन पूरी तरह से बैक हो गया था, और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मतलब एक UID के सर्च करने पर आपका फोन बैक हो रहा है, और जब भी आप UID को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप UID पर जो आपकी स्क्रीन है वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये घोस्ट नहीं तो क्या है, भूत नहीं तो क्या है, आप ही लोग मुझे बताइए। मैं आपको जितनी भी UID आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, इन सभी UID को अपनी रिस्क पर ही आप लोग सर्च करें, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं आपको 2 UID बता चुका हूँ जो कि बहुत ही डरावनी थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। जब मैं UID को सर्च कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली गेम बैक हो रहा है, ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब फ्री फायर गरेना जो है वो अपने ऑडियंस को या फिर जितने भी उसके प्लेयर्स हैं उनको कुछ गलत तो नहीं देगी ना, जिससे कि उन प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी UID की ओर। तीसरी UID आपकी स्क्रीन पर ये रही, 10331398 62। जो आप लोग स्क्रीन पर UID देख रहे हैं, इस UID को आप लोगों को अपने गेम में जाकर के सर्च करना है। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही इस UID को सर्च किया तो सर्च करने के जस्ट बाद मेरा फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा। इस UID को सर्च करने के बाद मैं बहुत डर गया था, मैंने बोला ये क्या हो गया है। फिर जब मैंने अपने फोन को ओपन किया और फिर उसके बाद मैंने अपने फोन में फिर से, मतलब वहीं से वो चीज आई थी, और UID ओपन करी, इंस्पेक्ट करने के बाद UID ओपन करी, तो UID ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखा कि मेरा फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और फिर जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलता है इसकी जो लाइक्स हैं वो 9999 पर ही अटक कर रह गई हैं। ऐसा मैंने किसी भी UID में नहीं देखा है, किसी भी प्लेयर के साथ नहीं देखा है, लेकिन इसकी ID 999 पर ही अटक कर रह गई है। अब इसकी ID 999 पर अटक कर क्यों रह गई है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि इस UID को आप लोग अपने फोन में अपनी रिस्क पर ही सर्च करें। हो सकता है आपका फोन लॉक हो सकता है ना हो, क्या पता मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नया फोन लिया है, लेकिन मेरा फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है इस UID को सर्च करने के बाद में, मेरा फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और उसके बाद जब मैं उसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि इसकी जो लाइक है वो हैंग हो गई है, मतलब 9999 पर ही अटक करके रह गई है, ना ही एक लाइक कम है ना ही एक लाइक ज्यादा है।
ऐसा कैसे हो सकता है? इन सभी के सभी यूआईडी अगर भूतिया नहीं है तो क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? गरेना वाले अपने ऑडियंस के साथ मजाक तो नहीं करेंगे ना? इतने सारे फ्री फायर गेम के अपडेट आ चुके हैं लेकिन फिर भी ये सब कुछ फिक्स नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। मुझे लग रहा है इसमें कोई ना कोई समस्या जरूर है, गरेना हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है जो कि हमें नहीं बता रहा है गरेना। लेकिन हम आपको और भी यूआईडी बताने वाले हैं। ये इस सीरीज का पार्ट वन है। अगर इस सीरीज पर अच्छा प्यार आता है तो हम इसका पार्ट टू पार्ट थ्री भी लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक यूआईडी लेकर के आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम आपको और भी यूआईडी के बारे में बताएंगे। लेकिन एक बार और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज मैंने आपको जितनी भी यूआईडी बताई है, इन यूआईडी को आप लोगों को अपने रिस्क पर ही अपने फोन में सर्च करना है। अगर आपके फोन में कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।